जब सुप्रीम कोर्ट में एक मर्ज एक याचिका आई कि हमें वजू करने के, हमें हमें थूकने के लिए वही जगह चाहिए जहां पर शिवलिंग हमारे मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए जिला जज का, जिलाधीश को, कलेक्टर को निर्देश दिया और सरकार ने, यूपी सरकार ने कहा कि कलेक्टर अपना काम करेंगे, हम उनको बता दिए हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट को निर्देश तरह से संकेत इस ज्ञान बापी मस्जिद में भी मामले में भी हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के मन मुताबिक सब कुछ नहीं होगा, प्रशासन को देखना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए अभी मैं होकर के आया हूं वाराणसी से, पीड़ा देती है, हृदय को पीड़ा देती है वो परिसर, वो ज्ञान बापी परिसर में वो मस्जिद यहां छेद करता है, यहां चोट पहुंचाता है। भले ही मस्जिद में दो तीन मौलाना ही होते हैं, जब आप वीआईपी गेट से जाएंगे, जब आप बहुत चुकी बिजी होते हैं और आपके पास समय कम होता है, तो वीआईपी कहने के लिए वीआईपी है, ₹300 का एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ता है और आपको एक अलग रास्ते से जाना पड़ता है ताकि आपके पास यदि समय कम हो तो आप वहां जा सकें। जब आप वीआईपी रास्ते से जाएंगे तो आप ज्ञान बापी परिसर को पूरा नजदीकी से आप देख पाएंगे, आपको यहां पर चोट लगेगी। वो साफ दिखता है कि कैसे एक मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है और इस देश की अदालतों को आज तक दिखाई नहीं दिया। ये बड़ी बड़ी बातें जो मिलोर्ड करते हैं ना, तब समझ में आता है कि इस देश की अदालतों ने इस देश की जनभावनाओं का कितना अवहेलना किया है। तो सतीश जी जुड़ रहे हैं, अलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के क्या मायने हैं हम वो समझेंगे, हम ये समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के आदेश के क्या मायने हैं और पाकिस्तान में चल क्या रहा है। तो सतीश जी जुड़ गए हैं सीधे लखनऊ से, सतीश जी जुड़ रहे हैं सर, नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर, एक हिस्टोरिकल फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया है। अभी हफ्ते भर पहले मैं वाराणसी से होकर के आया हूं, आपका तो ननिहाल है, बचपन बीता है आपका भोलेनाथ की नगरी में। सर, मेरा पहली बार एकदम से उस ज्ञान बापी परिसर के किनारे होते हुए, अब की बार हम लोग जो गए थे, चूंकि दक्षिण भारत के लोग, आंध्र प्रदेश के लोग बड़े पैमाने पे हैं वाराणसी में, तो बहुत भीड़ थी, तो लगा नहीं भोलेनाथ के दर्शन हो पाएंगे। तो हमने ये तय किया कि ₹300 शायद या ₹500 लेते हैं, ₹300 शायद, कि वीआईपी गेट एक कहा गया है, तो वो जो वीआईपी गेट से जो जाने का अवसर मिला, इससे पहले इसको हम देख नहीं पाए थे, जाते थे डायरेक्ट सीधे शिव मंदिर में, मस्जिद का ऊपर का गुंबद दिखता था। इस बार जो भी एक हफ्ता पहले हम घूम हो करके आए दर्शन करके, तो पूरा उस ज्ञान बापी जो मस्जिद जिसे जो कहते हैं, उसके पूरे किनारे किनारे से हमें घूमने का अवसर मिला। सर, यहाँ चोट लग रहा था, यहाँ मतलब ये साफ दिख रहा है कि ऊपर एक गुंबद, एक टोपी पहना दिया गया है, स्कल टोपी पहना दिया गया है, और एक मंदिर। कमाल की बात यह है, इस बार हमने बहुत प्रेम से भगवान नंदी को देखा, नंदी उधर घूमे हुए हैं जिधर वो मस्जिद है। ये साफ संकेत है कि शिवलिंग उधर की तरफ ही है, जो ये शिवलिंग इधर जहां हम पूजा करते हैं वो मूल शिवलिंग नहीं, और हम अपने आप को सांत्वना देने के लिए हम वहां जाते हैं, और चूंकि वाराणसी की भूमि भोलेनाथ की भूमि है, तो हम ये एहसास कर लेते हैं कि वहां का, वहां की मिट्टी यदि हमने छू लिया तो हमने बस भगवान के दर्शन कर लिए, गंगा में डुबकी लग गई तो भोलेनाथ के दर्शन हो गए। अब उसी शिवलिंग पर वजू करने की इजाजत जिहादियों को चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जिलाध्यक्ष को कि आप जो है जगह मुनासिब कीजिए, लेकिन इस मामले में भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि ये काम जिलाधीश तय करेंगे, सुरक्षा के दृष्टि से तय होगा कि वजू करने की इजाजत इनको हम देंगे या नहीं देंगे। ये वही थूकना चाहते हैं सर जिससे हम अपना भोलेनाथ मांगते, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया है उसकी कार्बन डेंटिंग, बिना छेड़छाड़ किए यदि कार्बन डेंटिंग हो संभव है, तो सॉलिसिटर भारत के, भारत सरकार के वकील ने कहा कि हाँ ये संभव है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी ये करेगा, और हाईकोर्ट के इस आदेश ने पूरे देश को एकदम से चौकन्ना कर दिया है। आपको क्या लगता है इस हाईकोर्ट के इस आदेश के बेसिकली मायने क्या हैं सर? मायने बताता हूँ मनीष जी, आपने भी जो जिक्र किया अपनी पीड़ा का, तो मनीष जी आपने उस 500 साल से जो घाव बह रहा है उसकी आपने मरहम पट्टी के बाद देखा, उस घाव को आपने मरहम पट्टी के बाद देखा, तो बहुत सुधार हो गया है। मैंने उस घाव को नंगा बहते हुए देखा है, कैसे मवाद बह रहा समझिए, क्योंकि ये 90 के बाद दर्शक जान लें कि जब राम मंदिर वाला आंदोलन हुआ और अयोध्या में गोली वोली चली, उसके बाद वहाँ भी बैरिकेटिंग कर दी गई, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया, आप वहाँ जा नहीं सकते हैं,
नहीं तो पहले आप पूरा जा सकते थे और देख सकते थे, तो मैंने बचपन से देखा वो, तो जो आप जो पीड़ा आप वाला बता रहे हैं मनीष जी, उससे 10 गुना ज्यादा हर सबको होती है जो जिन्होंने पुराना रूप देखा है उसका वो। लेकिन आज का जो फैसला है वो ऐतिहासिक है, अभी उसको बहुत डाउन प्ले कर दिया इस मीडिया ने। दर्शक ये जान ले कि मैं उस फैसले की तुलना राम मंदिर वाले फैसले से ही कर रहा हूँ, उसका कारण अभी आपको बता देता हूँ। ये उससे कहीं हल्का नहीं है, जैसे राम मंदिर का फैसला आया पूरे देश में जश्न हो गया, ये जानबूझकर ये लुटियन मीडिया उसको बिल्कुल एकदम डाउन प्ले कर दिया। कोई टिकरी चला रहा है, कोई एक ऐसे हेडलाइंस में बता रहा है, उसकी कोई परिचर्चा नहीं हो रही। उसका कारण है मनीष जी कि ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश आया है, ये दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। दर्शक समझ ले, इसके बाद सारा झूठ जो पिछले 500 साल से झूठ नहीं बोला जा रहा था, अंग्रेज झूठ नहीं बोलते थे, वो तो स्वीकारते थे। अभी अभी आपको हम लोग बताएंगे कि हम लोग साल भर पहले बता चुके हैं, लेकिन 75 साल से 1947 के बाद मिलने को, ये जो वामपंथी गुर्गे, ये जो झूठी झूठी कहानियां बनाया करते थे कि औरंगजेब तो मंदिर बनवाता था, वो कहाँ तोड़ सकता है, और ये तो अलग थी, और यहाँ के मंदिर का कोई नामो निशान नहीं था, जिसका बहुत भूंडा बहुत अश्लील बहुत फूहड़ रूप आप लोगों ने पिछले साल भी देखा था, जब वो जो 4 औरतों की लड़ाई न्याय जीत की वजह से वहां पे हिंदुओं को घुसने का अवसर मिला, और वो 16 मई को, देखिए साल भर हो रहा है पूरा करीब करीब, 16 मई को वो शिवलिंग पता चला था, जिसको बहुत बेशर्मी के साथ ये कठमुल्ले, ये उसको फव्वारा कह रहे थे, इनके साथ जो सेकुलर गैंग है वो बता रहा था इससे सांप्रदायिक भावनाएं बिगड़ जाएंगी, वो तो फव्वारा है और मस्जिद को डिस्टर्ब किया जा रहा है, ये सारा झूठ। ये मनीष जी जो कार्बन डेटिंग का आज आदेश दिया है इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने, ये पूरा सच सामने ला देगा, और ये साबित कर देगा कि ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है, क्योंकि इसमें अवशेष नहीं निकलेंगे, इसमें कहीं खुदाई नहीं करनी है, ये साक्षात भगवान शिव जो है वो शिवलिंग ही बता देगा कि कितने हजार साल पुराना है, क्योंकि वो जो अभी मनीष जी ने कहा कि वही जो है ओरिजिनल शिवलिंग वही है ये, क्योंकि अब ये कब्जे में था मुसलमानों के, तो अहिल्याबाई ने जब कराया तो उन्होंने एक दूसरा शिवलिंग वहां स्थापित किया, और उसकी सबसे बड़ी गवाही वो नंदी वहां देता है जो परिसर में खड़ा हुआ है, उसका मुंह उन्हीं भगवान शिव की तरफ है, और उसमें कोई शंका नहीं है मनीष जी कि वो शिवलिंग ही है, लेकिन अब उस पर कानूनी मुहर लगने जा रही है। आज जो फैसला हुआ ऐतिहासिक, यानी ये समझिए कि ये पहला है और निर्णायक है, ये कोई शुरुआत नहीं है, ये पहली जो शुरुआत हुई है यही निर्णायक हो जाएगी। इस ज्ञानवापी मस्जिद के नाम पे जो पाखंड, जो अवैध कब्जा औरंगजेब के समय से लेकर अभी तक चला, 500 साल तक इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं के आंखों में धूल झोंकी, और खासकर पिछले 75 साल में धूल के साथ मिर्चा भी झोंकी इन कांग्रेसी सरकारों ने, इन सेकुलर सरकारों ने, इन सेकुलर नेताओं ने, उन सबको बेनकाब हो जाएंगे, पूरी तरह निर्वस्त्र हो जाएंगे कि 75 साल तक ये कैसा झूठ बोलते रहे थे, क्योंकि उसमें कोई शंका मनीष जी है ही नहीं। अब वो केवल उस पर वैज्ञानिक रूप से और कानूनी रूप से उस पर मोहर लगने वाली है, मेरे ख्याल से कार्बन डेटिंग बहुत ज्यादा होगा, महीने महीने भर का समय लेगी, महीने 2 महीने के अंदर ये सामने आ जाएगा, और आप देखिएगा इन बेईमानों को, इन विश्वासघातियों को, कल से इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ ये सेकुलर जो है सियार की तरह रोना शुरू करेंगे, और वो जो कठमुल्ले हैं वो देखिए कैसे कैसे कुतर गड़ेंगे, जबकि इनको सच से डर क्यों लगता है? अगर इनकी बात बड़ी सच है कि वो औरंगजेब बड़ा ईमानदार था, उसने किया था, तो हो जाने, तो कार्बन डेटिंग दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन ये नहीं उन्हें देना चाहते, इसीलिए साल भर लटका। दर्शक अगर ध्यान करिए तो ये मामला 24 अक्टूबर को, पिछले साल 24 अक्टूबर 2022 को निचली अदालत में गया था, जहां पे इन लोगों ने नंगाई करके वहां पे फैसला नहीं होने दिया, वो निचली अदालत ने कोई उस पर फैसला नहीं दिया, तब ये हाई कोर्ट पहुंचा, और आज हाई कोर्ट में ये भी आप जान लीजिए कि कोई वकील नहीं, केंद्र सरकार का ही वकील खड़ा हुआ था, जी मनोज मनोज कुमार कुमार सिंह वकालत कर रहे थे। सिंह, जी मनोज कुमार सिंह, और उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचेगी और कार्बन डेटिंग हो जाएगी। तो उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, तो ये मामला जो है ये अयोध्या की तरह उलझा हुआ नहीं है,
ये जबरिया गुंडागर्दी सेकुलर दहशतगर्दी का ये परिणाम था, और उस सेकुलर गुंडागर्दी और सेकुलर दहशतगर्दी के सारे कपड़े इस कार्बन डेटिंग के बाद उतर जाएंगे। वो प्रतीक्षा करिए, ज्यादा ज्यादा महीने दो महीने की बात है, उसके बाद ये इनका मुंह इतना काला हो जाएगा कि देखिए क्या कहते हैं कि वो सर साल भर पहले का जो आपके साथ हम लोगों की चर्चा जी उससे मनीष पहले जी सुना बता दें। दूं, हाँ मनीष जी इतना और उसी जोड़ दूं कि ये सौभाग्य है कि जरा कार्बन डेटिंग के परिणाम आने दीजिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, इसलिए तुरंत दान महाकल्याण होगा, ये आप निश्चिंत रहिए। बिल्कुल सर, जरा सा एक साल पहले की चीजों को ठीक एक साल पहले का हाँ, ये हाँ दिखा दीजिए, हम लोगों ने साल भर पहले बताया था कि ये क्या है, और वो वही आज सच सामने आने वाला है। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये साल भर हाँ पुराने का वित्तीय विश्लेषण है। 21 मई 2022 जी जी, जो सबसे खास बात है उस मुकदमे में, ये मेरे ख्याल से दिखेगा कि ब्रिटिश सरकार ने एक हलफनामा लगाया था अपनी तरफ से इस विवाद को लेकर। यह ऐसे पढ़ने में नहीं आएगा, मैं पढ़ू। ब्रिटिश सरकार ने 1936 में लिखित रूप से कोर्ट में हलफनामा दायर किया और पैराग्राफ दो में यह लिखा कि यह परिसर वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। जरा देखिए, उसके बाद पैराग्राफ 11 में लिखा कि यहाँ की मूर्तियां मुगल काल के पहले से यहाँ हैं। जरा ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ब्रिटिश सरकार को आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी नहीं, 1937 में ब्रिटिश सरकार यह हलफनामा कोर्ट में जमा कर रही थी, उसमें पैराग्राफ 11 में लिखा कि यहाँ की मूर्तियां मुगल काल के पहले से यहाँ है। पैराग्राफ 12 में लिखा कि इस संपत्ति का मालिक औरंगजेब नहीं था और इस्लामिक कानून और इस्लामिक कानून के मुताबिक यह अल्लाह को समर्पित नहीं किया जा सकता। दावेदारों की ओर से 7, ब्रिटिश सरकार की ओर से 15 गवाह पेश हुए थे। सब जज बनारस में 15 अगस्त 1937 को मस्जिद के अलावा ज्ञान वापी परिसर में नमाज पढ़ने का अधिकार देने की दीन मोहम्मद की याचिका को नामंजूर कर दिया था। इसके बाद मनीष जी कुछ अब किसी किसी टेलीविजन चैनल के रिसर्च टीम ने इसमें कहीं कोई ध्यान ही नहीं दिया, कोई नहीं बोल रहा, कोई कोई जिक्र नहीं कर रहा है इसमें। 10 दिन से प्रपंच कर रहे हैं, रोज 10-10 घंटे, तो 10-10 घंटे प्रपंच कर रहे हैं। और किसी समय इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करे, ये कमाल की बात है कि टीवी चैनलों के पास इतनी बड़ी रिसर्च टीम होती है और ये दिन भर भौंक भौंकू बजा रहे हैं, 24 घंटे का विश्लेषण चल रहा है और इतनी महत्वपूर्ण चीज गायब है। जी सर, तो दूसरा एक और देख ले दर्शक। एक मामला था जिसमें दीन मोहम्मद ने ज्ञानवापी मस्जिद और उसके आस ध्यान से सुनिए, 1936 में केस दर्ज हुआ, यह था दीन मोहम्मद वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक मामला था जिसमें दीन मोहम्मद ने ज्ञानवापी मस्जिद और उसके आसपास की जमीनों पर अपना हक जताया था। इसका मुकदमा नंबर 62/1936 था। यह मुकदमा एडिशनल सिविल जज बनारस के यहाँ दाखिल हुआ था। उस समय अदालत ने उस मस्जिद को जमीन मानने से साफ इनकार कर दिया था। अदालत ने उसको मस्जिद की जमीन मानने से साफ इनकार कर दिया था सर 1936। और आगे सुनिए, इसके बाद दीन मोहम्मद यह केस लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट चला गया था और 1937 में जब फैसला आया था तब हाईकोर्ट ने मस्जिद के ढांचे को छोड़कर बाकी सभी जमीनों पर व्यास परिवार का हक बताया था। यानी मनीष जी, जो ढांचा बना है सिर्फ उसके अंदर अंदर का छोड़ के बाकी सारा सारी जमीन व्यास परिवार को दी थी कोर्ट ने बनारस की। और उसके बाद आइए आगे, इसी फैसले से बनारस के तत्कालीन कलेक्टर का वह नक्शा भी फैसले का हिस्सा बनाया गया जिससे ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने का मालिकाना हक व्यास परिवार को दिया गया। जिस तहखाने के लिए कह रहे हैं मुल्ला कि हम घुसने नहीं देंगे, उसका तो इनका कोई लेने ही देना नहीं है, वो तहखाना तो व्यास परिवार का था। इस पर जब 1993 में इन्होंने रोक लगाई है, जब इन्होंने सील किया है तहखाने को, तो उसके बाद वो तहखाना सरकार का हो गया। अगर आप व्यास परिवार इनका, तो ये जो मुल्ला लड़ रहे हैं इनका तो उस तहखाने से कोई लेना देना ही नहीं था। और आगे मनीष जी बता दूं आपको,
1937 के इस फैसले से ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक नक्शा भी लगाया था, उस नक्शे में बाकायदा अटैच लाइन के साथ मस्जिद की सीमा रेखा तय कर दी थी, जो बाउंड्री अभी सो मनी जी एक और पेच है। इसके बाद साल 1937 से लेकर 1991 तक कहीं भी कोई विवाद नहीं हुआ। और मनीष जी कमाल है सर, और मैं व्यूअर्स को जरा देख दिखा दूं जो सतीश जी लिख रहे हैं, 21 मई 2022 मतलब आज से ठीक एक साल पहले का ये हम लोगों का विश्लेषण है, और इस विश्लेषण में सब कुछ साफ है कि कैसे अंग्रेजों ने के दौर में सब कुछ हो गया, लेकिन जब नेहरू की ये सेकुलर सरकार आई और उसके बाद जब हिंदुओं ने सब कुछ गमा करके पाकिस्तान दे दिया और बचा हुआ जो जमीन जो सो कॉल्ड हिंदुओं के हिस्से में आया था उस पर यतराज, उस जगह पे जो भोलेनाथ की भूमि है, जिस वाराणसी को कहा जाता है कि शिव के त्रिशूल पे सबसे पावन भूमि है हमारी, और उस पर भी हमारी दुर्दशा ये कि हमारा नंदी घूमे हुए हैं उधर की तरफ। सर आपके विश्लेषण, सर एक चीज सर, ये कार्बन डेटिंग होगी तो पीरा तो हमें होना चाहिए कि हमारे शिवलिंग की कार्बन डेटिंग हो रही है, पीरा तो परीक्षा तो हम दे रहे हैं ना सर, तो फिर इन जिहादियों की इससे आपत्ति क्यों है? दुनिया का कोई देश होता तो इस तरह की परीक्षा, मतलब हमेशा अग्नि परीक्षा हम दे रहे हैं, ये कार्बन डेटिंग होगी हमारे शिवलिंग को क्षति होगी, कुछ भी हो क्षति तो कार्बन डेटिंग में तो होगी ही होगी, और उसके बाद यदि हम फेल हो गए कहीं, यदि कार्बन डेटिंग सत्यापित नहीं होगी तो नग्न भी हम ही हो जाएंगे, बदनामी, क्योंकि परीक्षा तो हम दे रहे हैं, उन्हें तो कुछ नहीं देना पड़ा। इसके बाद भी जिहादी इस ढंग से कि हमें थूकने का वहीं इजाजत दो, ये गजब गजब हाल है। उन्हें तो बड़ा दिल दिख, मुझे तो लगता है उस परिसर को देखने के बाद यदि थोड़ा सा भी शांति प्रिय होगा, थोड़ा सा भी देश के प्रति सांस्कृतिक विरासत से थोड़ा सा प्रेम होगा, तो कहेंगे यार इस मस्जिद से क्या लेना देना, चार मुल्ले ही तो वहां, चार मुल्ले भी सर वहां नहीं रहते, फिर भी ये रगड़ा ये झगड़ा। मनीष जी वो जो आप बातें कर रहे हैं वो इंसान करता है, जानवर नहीं, कोई इंसान हो तो उसको समझ में आ जाए ये, इसीलिए क्योंकि जो 500 साल से झूठ चल रहा था, झूठ तो मैंने कहा अभी आपको मैंने अदालती फैसले सुनवाए जो हम लोगों ने साल भर पहले बताए थे, अंग्रेज सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट का हलफनामा बताया जो उन्होंने कोर्ट में दिया, तो वो अंग्रेज, मैंने पहले भी कहा कि अंग्रेज झूठ नहीं बोल रहे थे, झूठ बोलना शुरू किया 47 के बाद कांग्रेसियों ने, इन कांग्रेसी सरकारों ने, कांग्रेसी नेताओं ने, कांग्रेसी प्रधानमंत्री, कांग्रेसी मुख्यमंत्री, इन्होंने झूठ बोलना शुरू किया, हिंदुओं की आंखों में धूल झोंकनी शुरू की, वो इनको डर लग रहा है उस कार्बन डेटिंग से, अब ये कपड़े उतरने का समय आ चुका है। दूसरे मनीष जी एक और तथ्य बता दूं दर्शकों से कि आप गूगल पूरा ढूंढ डालिए, ये 16 मई को जब शिवलिंग मिला था 5 दिन लगे थे, लेकिन 21 मई 2022 का ये जो अभी मनीष जी ने आपको दिखाया, सबसे पहले हिंदुस्तान में मीडिया की अगर आप बात करिए तो सबसे पहले हम ही लोगों ने ये तथ्य देश के सामने रखे थे, उसके बाद इन बेशर्मों को शर्म आई थी तब इन्होंने ये बताना शुरू किया था, अन्यथा उससे पहले 16 से लेकर 21 मई तक ये सारे न्यूज चैनलों पर एक ही चर्चा हो रही थी कि वो फव्वारा है कि शिवलिंग है, वो फव्वारा है कि शिवलिंग है, लेकिन ये आप लोग का सहयोग है और वो जमकर वो शेयर भी हुआ था, खैर वो वीडियो तब जाकर आपको किसी भी न्यूज चैनल की कोई भी क्लिप 21 मई के बाद की मिलेगी। 21 मई तक इन्होंने इस पूरे उस पर पर्दा डाल रखा था, ये पागल है या षड्यंत्रकारी है, ये इसका फैसला आप करें, लेकिन अब जो है वो उस सबके आज भी अपने कुकर में से बाज नहीं आ रहे। मैंने कहा ना कि इतना महत्वपूर्ण फैसला, इस फैसले के क्या परिणाम होंगे, उसको इन्होंने बिल्कुल दबा दिया, और ये पाकिस्तान की जूठन चाट रहा है, जो वहां के न्यूज चैनलों से जूठन परोसी जा रही है वही ये चाट रहे हैं, और पिछले 4-5 दिन से जूठन चाट रहे हैं, इनका सच से या रिपोर्टिंग से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। हम लोग अभी जब अगले चरण में आएंगे तो आपको वो भी स्पष्ट करेंगे कि ये केवल वहां से पाकिस्तान के चैनल जो जूठन परोस रहे हैं दबाव में, जो जायज बात है, वहां आर्मी से कौन लड़ सकता है या सरकार से, तो वो जूठन ये अपने अपने यहाँ परोस रहे हैं इनके, और उसी क्रम में आज जो है इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले बनी, ये फैसला सैकड़ों साल याद रखा जाएगा, सैकड़ों साल के हजारों साल जब तक काशी विश्वनाथ का मंदिर है, आज जो फैसला आया उसके बाद मैंने कहा कि अब केवल औपचारिकता रह गई है, जो अभी हम लोगों ने ये बातें साल भर पहले कही थी, ये बातें उस बात का प्रमाण है कि वो है तो शिवलिंगी, इन कठमुल्लों ने मीडिया के सहयोग से और सेकुलर गुंडों, नेता तो कहने बेकार है, सेकुलर गुंडों, सेकुलर दंगाइयों के सहयोग से वहां उसको फव्वारा बना के अपमानित करते रहे,
तो अब वो दिन आया है। तो मैंने इसीलिए कहा कि इस फैसले की तुलना मैं राम मंदिर का जो फैसला आया था उससे कम नहीं आंक रहा हूं इसको। ये काशी विश्वनाथ के गुलामी के द्वार तोड़ देगा, ध्वस्त कर देगा, बुलडोजर चलेगा। कम से मैंने पहले भी कहा कि सौभाग्य है यहाँ पे बुलडोजर चल वाला मुख्यमंत्री भी है, उसको कतई परहेज नहीं होगा। ये थी बिल्कुल सर, और हम ये कहेंगे, व्यूअर्स से आग्रह करेंगे, सतीश जी के ट्विटर हैंडल पे जाइए, सतीश चंद्र मिश्र के नाम से, और ये जो दोनों वीडियो है उसे उठाइए, डाउनलोड कीजिए और अपने सोशल मीडिया से शेयर कीजिए, या फिर उस ट्वीट को, यदि आप ट्विटर पे हैं, तो उसे रीट्वीट कीजिए भारी संख्या में, और बताइए व्यूअर्स को कि 1 साल पहले सतीश जी ने क्या कहा था, हमारे विश्लेषण में क्या आया था, और ये कितना बड़ा छलावा इस देश के साथ नेहरू और उसकी सरकार, उसके विरासत ने की हुई है। तब समझ में आता है इस देश का विभाजन तो मजहब के आधार पर बन गया, मुसलमानों के लिए अलग पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन ये हिंदुस्तान भी कायदे से कहिए तो उन्हीं के लिए रहा। ये बहुत पीड़ादायक है, लेकिन वक्त बदला है, और हम इस बात को देख रहे हैं कि इस वक्त बदलने के क्या मायने हैं। जिस सुप्रीम कोर्ट से नरसिंह राव के दौर में ये हुआ कि अब राम मंदिर के अलावा किसी चीज को नहीं छोड़ा जाएगा, चीज छुआ जाएगा, वो चीजें बदल रही है, और यकीन मानिए जो इशारा सतीश जी की तरफ से हुआ है सर, कि योगी बाबा वहां बैठे हुए हैं और अपने हर बॉडी लैंग्वेज से वो संदेश देते हैं। आज उन्होंने एक संदेश द केरला स्टोरी पे भी दी है, उसके मायने हैं। और सर बहुत ब्रीफली, यदि ये चीजें बदलती है, यदि कार्बन डेटिंग का रिपोर्ट, इसका जो रिपोर्ट आ जाए, बहुत इसका इम्पैक्ट इस देश की राजनीति, इस देश की सांस्कृतिक विरासत पे क्या पड़ेगा? नहीं, पूरा पूरा पासा ही पलट जाएगा मनी जी। वो कार्बन डेटिंग यहाँ की अब आदेश हो गया है, उसके बाद उसका परिणाम मैंने बता दिया है, उसकी पृष्ठभूमि की परिणाम क्या आने वाला है। ये साल भर पहले के जो तथ्य मैंने रखे थे उसको वो स्पष्ट कर दे रहे हैं कि अब केवल औपचारिकता है, और ज्यादा ज्यादा मेरे ख्याल से महीना भर या 2 महीने लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। अभी समय सीमा नहीं आई है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक शिवलिंग की ही कार्बन डेटिंग होनी है। लेकिन ये जो अब मनीष जी का सवाल है, ये बहुत गंभीर है और इसमें कई जवाब छुपे हुए हैं। ये कार्बन डेटिंग का जो परिणाम आएगा वो कई रास्ते खोल देगा मनीष जी, कई रास्ते खोल देगा। सबसे पहले तो जो एक मामला अभी निचली अदालत में ही भटक रहा है, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, वहाँ वहाँ एक नहीं अनेक प्रमाण ऐसे हैं जो कार्बन डेटिंग से दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। तो जब यहाँ का फैसला हो गया है तो वहां का भी फैसला करना ही होगा, क्योंकि एक अदालत के फैसले नजीर होते हैं। और इससे ज्यादा एक और बता दूं कि वो वीडियो शायद आप लोगों ने देखा हो, वो मैंने जानबूझ के नहीं डाला क्योंकि वो कॉपीराइट वाला मामला हम लोग दिखा नहीं सकते, लेकिन आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, जहां पे ये खैराती अति अजीत अंजुम को योगी बाबा बुरी तरह से लताड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाँ क्यों नहीं, कि ताजमहल की जांच होनी चाहिए और मैं करवाऊंगा। वो मंदिर है कि ताजमहल है, वो मुर्दा घर है, ये इसका इसकी जांच होनी चाहिए। इससे डरते क्यों? और वो जो बात योगी बाबा ने कही थी वो गलत नहीं कही थी, उसका मनीष जी एक है, लेकिन उसको इन सेकुलर गुंडों ने, सेकुलर दंगाइयों ने या सेकुलर गिरोहों ने, सरकार नहीं, सेकुलर सरकार नहीं होती, सेकुलर गिरोह होता है, इन गिरोहों ने उस तथ्य को नकार दिया। और ये वामपंथी जो लफंगे थे जो बैठ कब्जा किया था हमारे शिक्षा जगत पर, इतिहास के पूरे समझिए विभाग पे, हर यूनिवर्सिटी के, इन्होंने उस बात को बिल्कुल खत्म कर दिया कि मनीष जी एक अमेरिका का टूरिस्ट वो लकड़ी चुरा के ले गया था, लकड़ी उसने जो नीचे के तहखाने हैं उनकी लकड़ी उसने निकाल के ले गया था, उसने जब वहाँ कार्बन डेटिंग कराई थी उन लकड़ी की, समझिए लकड़ी की, तो उसने बताया था कि जो समय, जो कालखंड ताजमहल के निर्माण का बताया जाता है, ये लकड़ी की कार्बन डेटिंग बता रही है कि ये उससे कम से कम 300 साल पहले की लकड़ी है ये दरवाजे। जरा सोचिए आप कि वो तो वो क्योंकि यहाँ वो है ना का सेकुलर गिरोह थे, सेकुलर दंगाई, सेकुलर गुंडे, वो उन्होंने 67 साल राज किया है, तो उन्होंने उसको बिल्कुल हवा में उड़ा दिया। डॉक्टर PN ओक की किताब है, दर्शक कहूंगा अगर हो तो जरूर पढ़िए, उन्होंने पूरी ताजमहल पर ही किताब लिखी है, और वो कोई हल्के फुल्के आदमी नहीं है, उनका किताब के पीछे उनकी जो डिग्रियां लिखी है
तो आधे पन्ने में उनकी डिग्री है, तो ये समझिए बहुत विद्वान व्यक्ति, उन्होंने जिन तर्कों के साथ लिखा उसका कोई जवाब नहीं लोगों के पास, लेकिन इन्होंने हमेशा हवा में उड़ा दिया। और एक वो जो वामपंथियों का सबसे बड़ा हथियार होता है झूठ, और सरकार की सहायता से झूठ, तो उस पर चलता रहा। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि आज जो इलाहाबाद के फैसला आया है, इसने सब धज्जियां उड़ा दी।